पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बॉलीवुड के सुपर सितारों की जिंदगियों से जुड़ी बड़ी कमाल की कहानियां हमारे सामने आती हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनाते वक्त और सुनते वक्त समझ में नहीं आता कि हंसा जाए या फिर चुप रहा जाए। उनमें से एक कहानी है चंकी पांडे की। चंकी पांडे ने एक बार एक पार्टी में बहुत जबरदस्त कोल्ड ड्रिंक पी ली। एक के बाद एक ग्लास पीते गए। उसके बाद इन्हें लगा कि इन्हें लघु शंका के लिए जाना होगा। इन्हें प्रेशर बढ़ता जा रहा था, पर ये चूड़ीदार पजामा पहने हुए थे, शानदार कुर्ता पहने हुए थे और इनके पजामे में गांठ लग गई। इनसे पजामे का नाड़ा ही ना खोले। वहां पर एक अनजान आदमी ने इनकी मदद की और टॉयलेट में ही बात करते करते उस अनजान आदमी ने इनसे कहा, तुम दिखते ठीक ठाक हो, तुम मुझसे आके मिलो, मुझे लगता है तुम हीरो बन सकते हो। चंकी पांडे को हंसी आ गई, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि चंकी पांडे एक्टिंग की तैयारी कर रहे हैं। उस आदमी का नाम पहलाज नहलानी। पहलाज नहलानी ने इस तरह से टॉयलेट में चंकी पांडे को ब्रेक दिया था, हाँ, और बन गए ये हीरो। टॉयलेट एक प्रेम कथा तो आपने सुनी है, लेकिन टॉयलेट एक ब्रेक कथा भी हो सकती है, ये पहली बार सुन रहे होंगे आप। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।